नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जो 72825 2011 में अभ्यर्थी थे उनकी फीस वापसी से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ कि 26 तारीख को जो है जिन्होंने फीस जमा की थी, संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस कारण कई लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो पाया था। रेलवे डाकघर में जमा करने गए तो वहाँ भी नहीं हो पाया। तो आप लोगों को बता दूं कि 30 तारीख लास्ट डेट है, इसके बाद कोई भी, ये देखिए दोस्तों हिंदुस्तान में निकला हुआ है कि 72825 शिक्षक भर्ती की तारीख बढ़ने की कम उम्मीद है। तो आप लोग हर हालत में 27 तक जमा कर दें, क्योंकि तो स्पीड फोर 3 से 4 दिन पहुँचने में लगता है। तो देख लेते हैं क्या जानकारी है। दिसंबर 2012 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की फीस वापसी के लिए अभ्यर्थियों की समस्या कम नहीं हो रही है। रविवार को भी अभ्यर्थियों को दिन भर लाइन में लगा रहना पड़ा। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के आला अधिकारियों का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाए जाने की कोई जानकारी नहीं, यानी 30 तक ही रहेगी। रविवार को अवकाश होने के कारण जिले भर के सभी डाकघर बंद थे। ऐसे में जंक्शन स्थित रेलवे मेल सर्विस RM के काउंटर पर अभ्यर्थियों का हुजूम उभरा। RMS के एग्मान काउंटर पर दिन भर अभ्यर्थियों के RMS कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। हालांकि अभ्यर्थियों की समस्या को देखते हुए RM के कर्मचारी काउंटर की टाइमिंग रोजाना 1 से 1.5 घंटा बढ़ा रहे थे। 1 घंटे में जमा हो रहे 304 अभ्यर्थी तो RM काउंटर पर 1 घंटे में 304 ही फार्म जमा हो रहे थे। तो हर हालत में आप लोग 27 तारीख को पूरा दिन भले लगना पड़े, लेकिन आप लोग फार्म जमा कर दें, क्योंकि इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी और जिसका जमा होगा उसी की फीस वापस आएगी, जिसका नहीं फार्म पहुँचेगा उसकी फीस वापस नहीं आएगी। तो इसकी ओरिजिनल आपको कटिंग दिखा रहा हूँ जो पेपर में निकली थी, देख लीजिए कि रविवार को दिन भर RMS में लाइन में लगे रहे अभ्यर्थी फीस वापसी की उम्मीद में आवेदकों की भीड़। दिसंबर 2012 में शुरू हुई प्रक्रिया फीस वापसी के लिए अभ्यर्थियों की समस्या कम नहीं हो रही है। दिन भर लाइन में लगा रहना पड़ रहा है। बेसिक परिषद का कहना है कि आला अधिकारियों के ना आवेदन बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं है। तो हर हालत में आप लोगों को 30 तक फॉर्म जमा करना है। रविवार को अवकाश था, इसके कारण जिले में डाकघर बंद रहे। ऐसे में जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी रही। RM काउंटर पर 1 घंटे में 3 से 4 अभ्यर्थी आवेदन जमा कर पा रहे हैं। एक अभ्यर्थी एक बार में 10 आवेदन जमा कर पा रहा है। दवा आवेदनों के लिए कंप्यूटर पर नाम पता और जिले का नाम लिखने में 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है। से बहुत बहस भी हो रही। सब देखिए बदलते सरकार के निर्णय में फंसे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 13 नवंबर 2011 को TT में रुपए लेकर अंग बढ़ाने के आरोप लगाने के बाद सपा ने मुख्य सचिव से जांच कराई और बसपा सरकार के विज्ञापन को रद्द करते हुए 5 दिसंबर 2012 को एकेडमिक मेरिट के आधार पर नए सिरे से 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने सपा की भर्ती पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट के और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बसपा सरकार के शर्तों के अनुसार TT मेरिट पूरी हुई। यही कारण है कि सपा सरकार में ली गई रकम 290 करोड़ फीस अब भाजपा सरकार में वापस हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म जमा करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।